60-40 नहीं चलतो, इसका विरोध लगातार अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने 72 घंटों का महा आंदोलन भी किया था और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 चरणों में इस बार आंदोलन की घोषणा इन्होंने की है। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो आप लोगों का पहला चरण था वो अब कम्प्लीट हो गया, तो कितने विधायकों ने आप लोगों को समर्थन दिया और कितनों ने समर्थन नहीं दिया है? जी, पहला चरण में सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 विधायकों का लिखित समर्थन सील सिग्नेचर के साथ मिला, जो कुल विधायकों का 90% होता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और यह पूरे भारतवर्ष का एक नए तरीके का आंदोलन है, नए स्वरूप का आंदोलन है और यह भारत के आंदोलन के इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया, जो आने वाले दिनों पर अन्य राज्य झारखंड के इस आंदोलन का अनुसरण करेंगे। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के क्रांतिकारी साथियों ने 42 डिग्री की कड़की धूप में सत्तू पानी पी करके लगातार दिन रात आनाकानी ना नुकुर करने के बावजूद बार बार विधायकों, सांसदों का आवास और कार्यालय जा करके अंततः सील सिग्नेचर लिए। और तमाम वैसे विधायक सांसद जो अपने पार्टी बंधन से ऊपर उठ करके इस माटी के लिए आगे आए, मैं तमाम विधायक सांसदों से और हमारे क्रांतिकारी साथियों से गर्व करता हूं, सैल्यूट करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जोहार करता हूं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा जो यह लिखित दस्तावेज आया है, यह महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि झारखंड के कलेजा का टुकड़ा है, अन्यथा वर्तमान सरकार का फांसी का फंदा है। और यह जो काम करके दिखाया, एक सरकार तो सदन के अंदर चल रही है जिसको फुल फैसिलिटी के साथ है सदन के अंदर, दूसरी सरकार जो हमारा है जनता के अदालत के बीच में, एक नए तरीके का सरकार बना करके एक तरह से जो हमारा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति की जो हमारी मांग है, इसको एक तरह से पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर लिया है। अब इस लिखित दस्तावेज को हम लोग माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष हम लोग बहुमत सिद्ध करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित करेंगे। और अगर ये लोग फिर भी आनाकानी कुछ करते हैं तो यह महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और बताने का काम करेंगे कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनभावना का किस कदर से कत्ल किया जा रहा है। लड़ाई हम लोग का आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि हमारा जो यह आंदोलन चल रहा है 10 मई से 11 जून कुल 31 दिवसीय का 4 चरणों में, जिसका प्रथम चरण हम लोग का ऐतिहासिक हो गया। अब दूसरा चरण जो अभी हम लोग का चल रहा है अनोखा है, जो आंदोलन हम लोग दूसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है? दूसरा चरण जो हम लोग का चल रहा है 26 मई से 8 जून तक 14 दिवसीय आंदोलन, जिसमें जो किताबों में हम अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जो हमारा पूर्वज जो आंदोलन करते थे, वह आंदोलन आज हम लोग व्यवहारिक रूप में देख रहे हैं। और उस आंदोलन को जब 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 झारखंड या यहाँ के लोगों पे महासंकट आया है, तब तब यहाँ मांदर का थाप बजा है और सखुआ पत्ता घुमा है। तो आज हम कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ तक मांदर का थाप गूंजेगा, वहाँ वहाँ तक 60-40 नहीं चलतो का नारा गूंजेगा। और यह जो हमारा मांदर का थाप और सखुआ पत्ता का अभियान है, मांदर का थाप जहाँ जहाँ बजेगा तो यहाँ रूह का फूटता है झारखंडियों का, और तभी तभी बजता है जब महासंकट पे आता है। और सखुआ पत्ता घूमने का अर्थ हुआ अब यहाँ उलगुलान हो गया, संकट आ गया, परिवर्तन होगा, क्रांतिकारी होगा। और इसके माध्यम से जो हमारा कुल देवता है यहाँ के मरंग बुरु सिंह बोगा, जो हमारा बूढ़ी माए बूढ़ा बाप, यहाँ जो भी हमारा कुल देवता है, सभी जाहिर थान जग थान सरना स्थल धरती आबा से हम लोग विनती करेंगे, कामना करेंगे कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को सद्बुद्धि दे, अन्यथा हमारा तीसरा चरण जो होगा 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में हर गली कोचा चौक चौराहा पर विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और इस बार एक दिन नहीं, 2 दिन, 10 और 11 जून, पूरा का पूरा लगातार 48 घंटा संपूर्ण झारखंड बंद, पूरा चक्का जाम, यहाँ पेड़ पौधा से लेकर पशु पक्षी सबका हिलना डुलना बंद रहेगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंदोलनरत हैं,
उसमें बीच में विज्ञापन भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो हम ही कहेंगे जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं, वह विज्ञापन झारखंडियों के कोई काम का नहीं। इसीलिए हम आज मांग करते हैं 60-40 हकमार नीति न चलतो, झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए 100% सुनिश्चित करे तो इसके लिए खतियान आधारित सुसज्जित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करना होगा। और ऐसा सच में हम लोग करने में सक्षम होते हैं तो हम दावे के साथ ऑन कैमरा रिकॉर्डेड कह रहे हैं सीरियसली कि झारखंड, क्योंकि सरकार द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार झारखंड राज्य के अंदर कुल बेरोजगारों की संख्या लगभग 6.5 लाख है और झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 3,52,000 से ज़्यादा रिक्त पद है। मतलब इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अलग है और स्वरोजगार अलग है, सिर्फ और सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की हम बात करें जब PSC में अलग है, मतलब कन्फर्म एक सरकारी नौकरी। इसीलिए 23 साल का झारखंड में हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम 5 प्रमंडल, 24 जिला, 81 विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग, चाहे हो समाज हो, मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो, सामान्य वर्ग हो, आदिवासी मूलवासी, एकजुट होकर के बाहरी माफियाओं के ताकतों को ध्वस्त करने के लिए हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने कमर कस के निकले हैं और इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। अन्यथा 60-40 एक आंधी है, तमाम इस आंधी पे विधायक सांसद उड़ जाएंगे 2024 में। लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी बीच में सरकार यहाँ पे विज्ञापन भी निकालते हुए दिख रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस विज्ञापन में यहाँ पे झारखंड का नाम नहीं है, झारखंड के पहचान के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर वो हमारे किस काम का है। अब देखना यह है कि इनका जो आंदोलन अभी पहला चरण कम्प्लीट होकर के अभी दूसरे चरण की इन्होंने शुरुआत की है, इस तरीके से सरकार पर ये क्या दबाव बनाने में सफल रहते हैं और सरकार का इसके बाद क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है। ऐसी खबरों अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाव रांची।